आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। कहा, तीनों कृषि कानून को वापस लेकर प्रधानमंत्री जी ने किया ऐतिहासिक कार्य। गुरु पर्व की दी शुभकामनाएं। मात्र 7,000 रुपए के बकाया धन राशि को लेकर बांसगांव थाना क्षेत्र में एजेंसी मालिक और दुकानदार में हुई मारपीट। दुकानदार की मौत, 4 घायल। मुख्य अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। शेष की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। एसपी साउथ ने दी जानकारी। प्रदेश में पांव पसार रहे जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरह से सतर्क। सीएमओ ने कहा, जनपद में एक भी केस नहीं है जीका वायरस का, लेकिन बरते सावधानी, रहें सतर्क। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप मीडिया से हुए रूबरू। कहा, पिछड़ा वर्ग है समाजवादी पार्टी के साथ, प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार। मकर संक्रांति पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में लगने वाले मेला और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टि से शुक्रवार को डीएम और एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया मेला क्षेत्र और मंदिर परिसर का निरीक्षण। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। सिख समाज के धर्म गुरु गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर जटाशंकर गुरुद्वारे में आयोजित हुआ गुरुवाणी। श्रद्धा के साथ सिख अनुयायियों ने गुरु नानक देव को किया याद, टेका मत्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद जनपद के किसानों ने भी किया खुशी का इजहार। प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 142 केंद्रों पर कुल 12,219 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,772 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,447 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। देव दीपावली पर 11,000 दीपों से जगमगाया बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा मुक्तेश्वर नाथ की पूजा अर्चना। परिवार व देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को राप्ती नदी में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दान पुण्य कर भगवान शिव से की लोक कल्याण की कामना।